हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में असी बैंक कैपिटल मैनेजमेंट स्टार्ट किया सी, टाइप्स ऑफ कैपिटल, रेगुलेटरी इकोनॉमिक कैपिटल बारे पढ़े सी, और इस वीडियो में असी उसको आगे बढ़ांगे। लेकिन वो स्टार्ट करन तो पहला कुछ चीज़ा जो पिछले लास्ट वीडियो में बड़ी इंटरेस्टिंग असी सानू नज़र आई सन, असी वो चीज़ा टच कर लें, रिवाइज कर लें। जिस तरह कि असी लास्ट वीडियो सब तो पहले ये पढ़े से कि इकोनॉमिक कैपिटल और रेगुलेटरी कैपिटल बारे असी टच किया सी, वो होंदा क्या है। तो दोस्तों ये स्टार्ट करन तो पहले सानू ये जानना जरूरी है कि जिदा असी इमेजिन करिए कि एक ट्रेजर चेस्ट है, एक ट्रेजर दी चेस्ट है जिस विच असी अपने फेवरेट पाइज रखांगे। दिस ट्रेजर चेस्ट इज इन केस ऑफ बैंक इज लाइक बट बैंक्स हैव टू कीप देयर मनी सेफ। लेकिन देर आर सर्टन रूल्स जो ये कहते हैं कि ट्रेजर चेस्ट मस्ट ऑलवेज हैव सम टॉयज। सो जस्ट इन केस अगर समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन्स, सानू टॉयज की जरूरत होवे, दैन असी वो ट्रेजर चेस्ट खोल के वो टॉयज ले लीए। सिमिलरली दिस इज कॉल्ड रेगुलेटरी कैपिटल। इट इज़ लाइक ए रूल टू मेक श्योर कि ट्रेजर चेस्ट इज ऑलवेज प्रोटेक्टिड, तो रेगुलेटरी कैपिटल ये आ जाता है। इन द सेम वे इकनोमिक कैपिटल बारे असी ये है कि इमेजिन करिए कि वी हैव सम एक्सट्रा टॉयज और दैट ऑब्वियसली दैट वी वॉन्ट टू यूज टू बाय मोर टॉयज इन द फ्यूचर। सो वी डिसाइड, असी ये डिसाइड करते हैं कि टू कीप दिस टॉयज सेफ टू, बट दिस टाइम इट्स आर ओन डिसीजन। लास्ट टाइम क्या हुआ सी, लास्ट टाइम ही साड़ा ओन डिसीजन ही सी, लास्ट टाइम ही था रूल्स ने जो किया सी, उस वजह ना सानू ट्रेजर विच कुछ फेवरेट टॉयज रखने पे। बट इन दिस केस इट्स आर ओन चॉइस। देन असी क्या करेंगे, टू कीप द एक्स्ट्रा मनी असाइड टू बी प्रिपेयर फॉर एनी सरप्राइजेस एंड टू बी एबल टू डू मोर एक्साइटिंग थिंग्स इन द फ्यूचर। ए सेम कॉन्सैप्ट साढ़े को इकोनॉमिक कैपिटल आ जाता है। और कुछ साढ़े को इस कैसा कुछ खास नहीं है। बैंक डिसाइड करांगे, इट्स लाइक बैंक डिसाइडिंग हाउ मच एक्स्ट्रा मनी इट नीड्स इन केस थिंग्स गो रॉन्ग। और रेगुलेटरी कैपिटल, वी मस्ट मीट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स टू एंश्योर की स्टेबिलिटी होवे, टू एंश्योर की स्ट्रैटेजिकली एलोकेट करिए अपनी कैपिटल नूं, किस वास्ते करिए, ताकि ड्राइव कर सकिए ग्रोथ। ये सेम कहानी है ये हर चीज़ दे, बैंक वाले केस विच ये जो स्टोरी है ना कि स्ट्रैटेजिकली एलोकेट करनी कैपिटल नूं, क्यों करनी, ताकि ड्राइव करिए ग्रोथ नूं। उसने क्यों है एनहेंस होवे वैल्यू, किस चीज़ की वैल्यू, स्टेक होल्डर की वैल्यू, टू एनहेंस वैल्यू फॉर स्टेक होल्डर। इसना क्यों होगा, ये चीज़ा ना इंश्योर करांगे, मेंटेन करांगे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। किस चीज़ वास्ते, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन करांगे या ये इंश्योर करांगे किस वास्ते, यो जो असी कर रहे हैं कि ग्रोथ वास्ते, स्ट्रैटेजिकली असी सस्टेनेबल ग्रोथ वास्ते, अगर प्रॉपर वर्ड यूज किया जाए, वाइल एट द सेम टाइम बिल्डिंग टूवर्ड्स ए प्रोमिसिंग फ्यूचर। सो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन विद अ प्रोमिसिंग फ्यूचर, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन विद अ प्रोमिसिंग फ्यूचर। ये सारा कुछ इतने है साढ़े को जाता है। अगेन रेगुलेटरी कैपिटल अगर फिर तो याद रखना है, तो ये असी ये पढ़ा कि मिनिमम कैपिटल है, मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल डैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर रिक्वायर्ड टू होल्ड बाय, किस द्वारा मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन है, बाय रेगुलेटर्स ने बोला होना चाहिए था, तो इस रख रहे हैं। Regulators set these rules to ensure bank remains stable and can continue functioning even during those tough times. Regulatory capital requirement standardized hain, aur maqsad yahi hai ki maintain hove overall health of the financial system. To dosto kuch terms hain jo assi bar bar use kar rahe hain, ye jo kahani hai ye kidhar bhi fit ho sakti hai, jidhar koi cheez fit na ho utthe ye cheezan fit kar lo, kam ban jayega। और जिधर असी आने इकोनॉमिक कैपिटल उपर, एयरपोर्ट प्रो हो गए डेट, जिथे असी आने इकोनॉमिक कैपिटल उपर, उत्थे इट्स इंस्टीट्यूशंस
own way of assessing how much capital it needs to cover potential risks. Is institution the apni marzi hai. Like it is just, we can think this as a safety net, personalized safety net. Financial institution analyze karange their unique risk no, like loan they might not get repaid ya fir investment that might lose value, and then they will decide how much extra money to set aside. This extra money will act as a buffer, allowing the institution to weather storms and pursue growth opportunities. बस यही है और कुछ खास नहीं है. इकोनॉमिक कैपिटल वाले केस विच दिस इज वेयर इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअल स्ट्रेटजी कम्स इन टू प्ले. इकोनॉमिक कैपिटल ऑब्वियसली इज बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूशन असेसमेंट. इंस्टीट्यूशन रिस्क असेसमेंट इन्वॉल्व्स द रिस्क द इंस्टीट्यूशन फेस, जैसे पड़ा कि लोन डिफॉल्ट हो जाना, मार्केट अनसर्टेनिटी आ जाना, और एलोकेट करना कैपिटल टू मिटिगेट करना उन रिस्क नो. इकोनॉमिक कैपिटल इज नॉट जस्ट अबाउट प्लेइंग इट सेफ, इट इज ऑल्सो अबाउट स्ट्रेटेजिकली पोजिशनिंग द इंस्टीट्यूशन to seize opportunity and growth. छोटी छोटी चीज़ें असी याद रखनी. आगे असी वापस इन अगर होर आसान ना देखा जाए तो कि when bank use economic capital they can plan for the future and they make sure they have enough money for unexpected situation. Just like when we save some money, when we save some toys for rainy days, economic capital helps bank be ready for any surprises that might come in their way. Disadvantage, it's like saving some toys for later instead of playing them now. A problem hai na, asi agge se rakh rahe hain. Benefits ke regulatory capital de, asi benefits aur disadvantage dono padhya. The benefit in regulatory capital, benefit ta hi hai na, think we can think this as like a rule that says we must wear a helmet while riding your bike. This rules keeps us safe at the same time, just like regulatory capital, in the same way regulatory capital keeps bank safe. When bank follow these rules, they become more safe and they can protect their own money. Disadvantage kya disadvantage, isi helmet ka hi disadvantage aata hai. Sometimes wearing a helmet might feel a bit uncomfortable, especially on a sunny day. Similarly, regulatory capital can sometimes limit what banks can do with their money. They need to keep a certain amount safe, even if they want to do exciting things. So it's like having a rule that keeps you safe, but also stop you from doing certain things. Ek sare ko la janda regulatory capital wale case vich. Benefits can benefits hai na ki financial institution ko ek personalized tool kit hai. इकोनॉमिक कैपिटल की गल है, टूल किट है किस वजह टू मैनेज देयर रिस्क अकॉर्डिंग टू देयर ओन यूनिक सर्कमस्टांसिस. इट इनेबल्स इंस्टीट्यूशंस टू असेस देयर स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटीज, एलोकेट करन कैपिटल एफिशिएंटली एंड मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन एंड दैट अलाइंस विद द रिस्क टॉलरेंस. डिसएडवांटेज साढ़े को क्या आता है, डिसएडवांटेज साढ़े को आता है कि सेटिंग असाइड एक्स्ट्रा कैपिटल मीनस लैस मनी इज अवेलेबल फॉर इमीडिएट इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स. ये डिसएडवांटेज है. एक्यूरेटली कैलकुलेट करना इकोनॉमिक कैपिटल ऑल्सो रिक्वायर्स कॉम्प्लेक्स रिस्क असेसमेंट मॉडल विच कैन फर्दर बी रिसोर्स इंटेंसिव एंड माइट नॉट कैप्चर ऑल पॉसिबल रिस्क एक्यूरेटली. इकोनॉमिक कैपिटल माइट नॉट ऑलवेज बी अकाउंट फॉर ऑल द पॉसिबल रिस्क एक्यूरेटली विच कैन लीड मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्स एंड पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज. ये चीज़ें ध्यान रखनिया ने. रेगुलेटरी कैपिटल वाले केस हो जाएगा, रेगुलेटरी कैपिटल कैन बी सीन एज ए कॉन्स्टेंट ऑन इंस्टीट्यूशनल ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी. मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कैन लिमिट इंस्टीट्यूशनल एबिलिटी टू एंगेज इन सर्टन हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड एक्टिविटीज. मीटिंग रेगुलेटरी मैंडेट माइट इन्वॉल्व कॉस्ट रिलेटेड टू कैपिटल एलोकेशन एंड कंप्लायंस एफर्ट्स, पोटेंशियली अफेक्ट करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ की पोटेंशियल. दोस्तों ये जो कहानी है, एक कहानी किधरे भी ट्विस्ट हो सकते हैं कि इट इन्वॉल्व कॉस्ट रिलेटेड टू कैपिटल एलोकेशन कंप्लायंस एफर्ट. एलोकेट करना किसी चीज़ वास्ते पैसा ना लगाना, एलोकेट करना कंप्लायंस एफर्ट्स लगाएंगे, थोड़े रिसोर्सेज लगाएंगे, पोटेंशियली अफेक्ट होगी प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ पोटेंशियल. ठूस दो जितने कोई चीज़ नहीं मिलती उसे ठोक दो. इट डिमांड्स एडवांस रिस्क, जिसे असं इकोनॉमिक कैपिटल पर आए हैं. इकोनॉमिक कैपिटल इट डिमांड्स एडवांस रिस्क असेसमेंट मॉडल, एक्सटेंसिव डेटा एनालिसिस, कंज्यूमिंग रिसोर्स एंड टाइम. Additional economic capital might vary across institution also, making it challenging to compare risk performance on a standardized basis, क्योंकि हर एक एंटिटी अपने सामने करेगी.
रेगुलेटरी कैपिटल द डिसएडवांटेज क्या, रेगुलेटरी कैपिटल डिसएडवांटेज एक कैन समटाइम्स सीन एज ए वन साइज फिट ऑल, बट इस तरह नहीं है, हर एक इंडस्ट्री हर एक कंपनी अपने हिसाब ना लड़न उसे अलग अलग रिक्वायरमेंट अलग यूनिक सर्कमस्टेंसेस हैं, सो इट समटाइम्स सीम्स एज ए वन साइज फिट ऑल नॉट फुली कैप्चरिंग द नुएंसेस ऑफ इंस्टीट्यूशंस रिस्क प्रोफाइल. Institution might feel constrained by this rigid requirement, potentially hindering their ability to pursue growth opportunity and optimize capital allocation according to their own circumstances. ए चीज़ें सो जनरल ए जनरल गल्लां असीं पिछली वीडियो विच कीतियां सन. एक तां असीं एक टॉपिक छेड़े इकोनॉमिक कैपिटल कीड़ा होंदा, रेगुलेटरी कैपिटल कीड़ा होंदा, मोर और लैस दोनों ही एक दूसरे तो बहुत ज़्यादा डिफर कर दिया ने, सानू पता चलेगा डिफर किस तरह करते हैं, सब कुछ ये सारा समझ आ गया. पिछली वीडियो में एक और छोटी सारी चीज़ जो सानू पता चली सी जैसे टॉपिक टच किया सी वो सी कि बैलेंसिंग इकोनॉमिक एंड रेगुलेटरी कैपिटल वो बारे वो एक अच्छी चीज़ है जो टच करना चाहिए. ये वाला टॉपिक असी मैं सोच रहा कि थोड़ा रीड कर लिया फिर ये वाला टॉपिक वापस इनू इस बारे थोड़ी सर चर्चा कर रहा हूँ. कुछ पॉइंटर मेरे दिमाग में हैं जो मैं कवर करना चाहता तो एक बार रीड मार लीए देन असी वो टॉपिक कवर कर लाँगे. एडवांटेज पढ़ चुके हैं असं कि बैलेंसिंग भी पढ़ चुके हैं इतने आते हैं. जे पी मॉर्गन चेज इकनोमिक रिस्क कैपिटल. जे पी मॉर्गन ने मेजर किया इकनोमिक रिस्क कैपिटल यूजिंग इंटरनल रिस्क असैसमेंट मैथडोलॉजीज. असी इधर तक पढ़ा फिर असं वापस बैलेंस वाली चीज़ पर आते हैं क्योंकि नाल भी तो कवर करना, किताब भी तो खत्म करनी है. जे पी मॉर्गन चेज मेजर्स इकोनॉमिक रिस्क कैपिटल यूजिंग इंटरनल रिस्क असैसमेंट मैथडोलॉजी एंड मॉडल बेस्ड प्राइमरली ऑन फोर रिस्क फैक्टर के क्रेडिट मार्केट ऑपरेशनल प्राइवेट इक्विटी रिस्क कंसीडरिंग फैक्टर्स अजम्पशंस एंड इनपुट्स दैट डिफर फ्रॉम दोज रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड फॉर रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट. इन 2013 इकोनॉमिक रिस्क कैपिटल वॉज कंसिडर टू प्रोवाइड अ कॉम्प्लीमेंट्री मेजर टू रेगुलेटरी कैपिटल. येस दे बोथ कांट दे शुड जो असं डिफरेंस पढ़ रहे हैं असं डिफरेंस पढ़े असं इस बारे के है दैन सानू एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री मेजर सन कॉम्प्लीमेंट्री कंप्लायंसेस ना कि एक दूसरे को चैलेंज करने वाले. Due to uncertainties in 2013 regarding the final Basel III wording for economic capital values as economic risk capital is a separate component of the capital framework for advanced approach banking organization under Basel III, the firm was then in the process of enhancing its economic risk capital framework to address the Basel III interim final rule. JP Morgan has adapted its methodologies in the interim and note in 2017 report. While economic risk is considered prior to making decisions on future business activities and in most cases the firm consider risk based regulatory capital to be proxy for economic based capital. Economic so bas kisi kuch khas nahi hai. जेपी का एनुअल स्टेटमेंट या जिधर भी एक्सट्रैक्ट है उन्होंने वो कॉपी करके पेश करता है. कंप्यूटिंग इकोनॉमिक कैपिटल. इकोनॉमिक कैपिटल इज ए मेजर ऑफ बैंक कैपिटल रिक्वायरमेंट दैट रिलेट्स टू व्हाट दैट रिलेटेड टू द एग्रीगेट रिस्क द बैंक इज रनिंग इन अफेक्ट इट्स एबिलिटी टू मीट अनएक्सपेक्टेड लॉस इन एक्सेस ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस टू सर्वाइव इन द लॉन्ग टर्म. ए बैंक नीड्स टू ओवरकम पीरियड्स ड्यूरिंग विच एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस कुड कॉज इट टू सस्टेन लार्ज लॉसेस इफ द बैंक हैज कैपिटल लेवल्स टू सपोर्ट इट थ्रू सच टाइम्स. It will survive. It does. If it does not, it will fail. रब ना करे कोई बैंक फेल हो गए क्योंकि उस तरह नुकसान होएगा आम जनता नूं अच्छा खासा. हुण असीं करने वाले एक टॉपिक जो टच असीं कीता सी पिछले वीडियो इस पर चर्चा. जिसने बैंक यूज़ करते हैं इकोनॉमिक कैपिटल नूं दे कैन प्लान फॉर द फ्यूचर एंड कैन मेक श्योर दैट दे हैव इनफ मनी फॉर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस. इट जस्ट लाइक वी सेव सम टॉयज फॉर द रेनी डेज. असी जिस बारे पढ़ा इकोनॉमिक कैपिटल हेल्प करती है बैंक नो बी रेडी फॉर एनी सरप्राइज डैट माइट कम देर वे. ऐसी पढ़ चुके इकोनॉमिक कैपिटल बारे लेकिन जो साढ़े को आ जाता है कि बैलेंस करना उस विच है कि कपैसिटी टू प्रॉस्पर एंड इवॉल्व. इकोनॉमिक कैपिटल के बारे गल हो रही है ये इस तरह डील करेगी कपैसिटी टू प्रॉस्पर एंड इवॉल्व. और जितने असी एक रेगुलेटरी कैपिटल बारे पढ़े कि ये चेस्ट एक ट्रेजरी चेस्ट है जिसे हमने बोला कि ट्रेजर चेस्ट है जिसे बोला कि इतना तो चॉइस होने ही होने चाहिए. तो
तो उत्थे साढ़े कोल आ जांदा कि अडहेयरिंग टू अ स्ट्रक्चर्ड सेफगार्ड दैट मेनटेन्स इट्स स्टेबिलिटी। वह आ गया रेगुलेटरी कैपिटल। इकनॉमिक कैपिटल आ गया इवॉल्व करना, प्रॉस्पर करना, लेकिन रेगुलेटरी कैपिटल आ गया स्टेबिलिटी मेनटेन रखना। इकोनॉमिक कैपिटल वाले केस क्या है कि इट इज़ द फाइनेंशियल कुशन जो अलो करेगा इंस्टीट्यूट नू टू विदस्टैंड अनएक्सपेक्टेड सेटबैक्स और सपोर्ट करेगा ग्रोथ द इनिशिएटिव्स नू। रेगुलेटरी कैपिटल वाले केस क्या है कि रेगुलेटरी कैपिटल वाले केस ये रिक्वायरमेंट है मैंडेटेड है बाय रेगुलेटरी अथॉरिटीज टू एंश्योर दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर फाइनेंशियली रोबस्ट एंड कैन वेदर एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशन विदाउट जेपरडाइजिंग देयर वायबिलिटी। हुन स्ट्रैटेजीज की बैलेंसिंग वास्ते तो वह साढ़े को आ जाता है कि इकोनॉमिक कैपिटल माइट सजेस्ट यूजिंग लैस कैपिटल ऑलसो, रेगुलेटरी कैपिटल माइट मस्ट बी मैट टू गरंटी द इंस्टीट्यूशन सेफ्टी एंड प्रिवेंट करना रेगुलेटरी सेंक्शंस। इंस्टीट्यूशन माइट नीड टू एलोकेट मोर कैपिटल दैन इंडिकेटेड बाई इकोनॉमिक मॉडल्स टू कंप्लाई विद रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स एट द सेम टाइम डिप्लॉइंग इट जी इकोनॉमिक कैपिटल की गल है तो उसे ऑप्टोमाइज करना कैपिटल यूटिलाइजेशन दैन इट मीनस वी मे डिप्लॉय इट इन दोज एरियाज जो जनरेट करेंगे हाईर रिटर्नस और अलाइन करेंगे इंस्टीट्यूशन की स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव नू और इंश्योर करेंगे ग्रोथ वाइल मेनटेनिंग इट स्टेबिलिटीज ऑलसो। इकोनॉमिक कैपिटल refers to the amount of money needed to cover potential losses and to support growth, whereas regulatory capital on the other hand is capital required to, by the regulators to ensure financial stability. So striking the balance is very important. aise padhne hain regulatory compliance karna hai wo bhi mandatory hai, capital the allocation karni hai jithe return hai utthe karni zyada karni, jithe risk zyada utthe karni karni zyada। यही सारा पढ़ा सी छोटा छोटा। दोस्तों मैं सोच रहा हूँ वीडियो इतने खत्म करा क्योंकि मेरा गले आ रही थोड़ी खराश, मैं पानी पीना चाहूँगा फिर वीडियो कंटिन्यू करूँगा। जितनी बीती चंगी बीती अगली वीडियो में असं कवर करा अगे वाले पार्ट में। एक छोटी सारी वीडियो है, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इतने अपनी मर्जी है, इतने कि स्टैंडर्डाइज वीडियो बना के देनी है किसी इंस्टीट्यूट को। खुदा हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर, राम राम।